सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद भी निजी बस संचालक नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर बस में लोगों को ठूस ठूस कर भर रहे हैं। इसी बीच एक निजी बस संचालक अपनी बस में लोगों को जगह न होने के बावजूद भी बैठा रहा था। बता दें कि इस बस में करीब 100 यात्री सवार थे और हद तो तब हुई जब SDM की मौजूदगी में ही बस संचालक बस को बीच सड़क में रोककर सवारियां बैठा रहा था, जिसके बाद बस संचालक की इस लापरवाही पर SDM ने पुलिस बल को बुलाकर बड़ी कार्रवाई करते हुए बस को सीज कर दिया है। इस पूरी घटना पर SDM अरुण कुमार का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। डकमारी के खिलाफ भी अभियान चलाया, क्या कार्रवाई की थी? हमने बछनाली चौक के पास खड़े होकर देखा, एक ओवरलोड कैब जो बस से जा रही थी, पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा थे, रोकने पर उसकी पुलिस वालों से उसका जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी जांच कराई गई, तो पता चला कि ना तो उसके पास PUC है, ना पुलिस सर्टिफिकेट, ना ही उसका इंश्योरेंस था और उसके पास कोई पैसेंजर परमिट भी नहीं था। तो उसको विभिन्न धाराओं में MDAC के अंतर्गत बुक किया गया, सीज किया गया। बता दें कि SDM ने चेतावनी दी है कि यातायात की नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कार्यवाही के बाद नियमों का कितना पालन किया जाएगा। न्यूज़ डेस्क, अमरोहा TV।